सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आज हम बना रहे हैं मकई के लड्डू। मकई के लड्डू बनाने के लिए हमने लेना है ये मकई का आटा। मकई का आटा लिया है हमने 200 ग्राम। इसमें हमने दूसरा आटा शामिल नहीं करना। साथ के साथ रोटियां जब हम मकई की बनाते हैं तो हम उसमें दूसरा गंदम का आटा भी शामिल करते हैं, लेकिन इसमें हमने गंदम का आटा शामिल नहीं करना। ये 200 ग्राम हमने लिया है खालिस मकई का आटा। चीनी लेनी है हमने ये 100 ग्राम, ये भी हमने पीस लेनी है, या आप दूसरी भी लेकिन बारीक हो, ज़रा मोटी चीनी नहीं यूज़ करनी, और अगर अदरवाइज अगर मोटी है तो उसको पीस लेना है। 100 ग्राम हमने चीनी लेनी है। ये 4 सीड्स या 4 मगज हमने लेने हैं 1 टेबल स्पून। घी लेना है हमने 1 प्याली या 5 to 6 टेबल स्पून, और अगर हमें कम लगा या ज़्यादा लगा तो हम हमें ज़रूरत भी इसमें ऐड भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पानी हमें नीम गर्म चाहिए इसको गूंदने के लिए। हमने ये मकई का आटा बिल्कुल ऐसे ही गूंदना है जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आम आटा गूंदते हैं। इसमें हम नीम गर्म पानी से इसको हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे। इसमें हमने नमक या कोई और चीज़ बिल्कुल ऐड नहीं करनी, बिल्कुल आराम से इसको हम गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एकदम से हमने पानी नहीं डालना, और बिल्कुल हमने इसको बैटर नहीं बनाना बल्कि हमने रोटियों की तरह इसको गूंदना है जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, क्योंकि हमने बनानी है इसकी रोटियां। बस आटा गूंदते वक्त या हाथ से जो भी काम हम कर रहे होते हैं, आप उससे पहले हैंड अच्छी तरह से वॉश किया करें। हैंड जरूर वॉश करने चाहिए अच्छे से। मैं ग्लव्स का यूज नहीं करती क्योंकि ग्लव्स से मुझे कुछ नहीं होता कि काम मेरा सही हो रहा है, इसलिए मैं ये ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप हाथ से कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे पहले आप हैंड वॉश करना बिल्कुल नहीं भूलिए। हैंड जरूर वॉश कीजिए अच्छे से। बस अब हमने इसको अच्छा सा मसल के गूंदना है। आठ दस मिनट हमने इसको अच्छा सा मसलना है ताकि ये अच्छा सा आटा हमारा गूंद जाए। तो ये आटा मैंने अच्छा सा बहुत अच्छा सा इसको मैंने मसला है अच्छे से गूंद लिया। अब मैं इसको बिल्कुल समेट लूंगी सारा। सारा हमने इसको इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए, ये हमारी डो बन गई है बहुत अच्छी सी। सारा समेट के और हमने इसको 1 घंटे के लिए तकरीबन फ्रिज में नहीं रखना, आप बाहर ही रखिए इसको। तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए ये बारीक कपड़े से हल्का सा गीला करके और इसको कवर करके रख देना है। ये देखिए आटा मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था, ये फ्रिज में नहीं रखा। ये आटा बहुत अच्छा सा हमारा ये डो तैयार हो गई। अब हम इसके रोटियां बनाएंगे, इसमें से जितनी भी बन जाती हैं पहले, फिर हम इसके बनाएंगे लड्डू। ये इसी तरह से आपने रोटियां बनानी है जैसे मैंने पहले भी ये रेसिपी दी थी साग के साथ मकई की रोटी की, इसी तरह आपने वुड पर ये बटर पेपर जो है इस पर आपने इसको पेड़ा बनाना है हल्के सा। कोशिश ये करें कि बस ये ना फटे ना, जो इसमें स्क्रैच ना आए। पहले थोड़ा हल्का हल्का सा हथेली से ऐसे इसको प्रेस कर ले, फिर इसको इस पर रख कर हल्के हल्के हाथ से
प्रेस करना है। अच्छा, ये मैंने बाकियों के भी ये मैंने पेड़े इस तरह बना के रख दिए, और इसको अच्छी तरह से हमने हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते करते जाना है और इसको फैलाते जाना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर। कोशिश यही करनी है कि इसमें स्क्रैच ना आए, बहुत आराम आराम से इसको हमने हल्का हल्का पानी लगाकर प्रेस करते जाना है। बिल्कुल हर साइड से हमने इसको इक्वल करना है ताकि ये कहीं जगह से मोटी और कहीं किसी जगह से पतली ना रहे और इसको सीखने में कोई मुश्किल ना आए। ज्यादा हम इसको बड़ा नहीं करेंगे, बस ये इतना हमारा जो है ये काफी है। ये हो गई है हमारी रोटी, अब हमने इसको तवे पर सेंकना है। अच्छा, ये हम थोड़ा सा ना इसमें पहले घी ऐड करेंगे तवे पे, फिर बहुत एहतियात के साथ हमने रोटी जो है वो इस पर ऐड कर देनी है। फ्लेम जरा थोड़ा सा कम कर देना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता से अच्छी तरह सेकना है। अच्छा, ये कि अगर ये रोटी टूट भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसको तोड़कर भी इसके लड्डू बनाने हैं, तो आप इसको लेकिन सेकिए अच्छी तरह से, इसके चारों साइड से थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड करें और ऊपर भी, और अगर टूट भी जाती है तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि हमने इसको तोड़कर इसके लड्डू बनाने हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम चेक करेंगे, टूटने का इसका चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो है गंदम का आटा बिल्कुल हमने ऐड नहीं किया हुआ। अच्छी तरह से हमने सेकना है, ये अंदर तक सिकी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसके इसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा हम घी इसमें ऐड करेंगे, साइड से इसको अच्छी तरह से हम सेकेंगे। चुमटे से भी आप कर सकते हैं या टिश्यू पेपर से भी आप इसको इसके साइड्स जो है वो अच्छी तरह सेकें, और दरमियान से भी। ये देखें, ये बिल्कुल मैंने हर साइड से इसको अच्छी तरह से सेका है। ये देखिए, ये चारों साइड से मैंने इसको अच्छी तरह से सेका है। ये सारी हमने इसी तरह से बनानी है, चार बन जाए, पांच बन जाए, इतने जितना आटा मैंने लिया था उसमें। लेकिन अगर ये टूट भी जाती है बनाते हुए तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसको तवे पर इसी तरह से पीसेस को उसको सेक लें अच्छी तरह, बिल्कुल कच्चे नहीं रहने चाहिए। लेकिन ये हमारा हो गया ये तैयार बिल्कुल रोटी, और हम दूसरे भी इसी तरह से बनाएंगे सारी। ये देखिए, रोटियां हमारी हो गई हैं बिल्कुल तैयार, मकई की। ये बहुत अच्छी सी सारी रोटियां बहुत अच्छी सी बन गई हैं। अब हमने इनको थोड़ी देर पहले ठंडा करना है, ठंडा हो गई है ये, मैंने इनको रख दिया था। अब हमने एक बाउल लेना है, इसमें इन रोटियों को छोटे छोटे पीस में तोड़ना है। अभी भी देखिए ये थोड़ा गर्म ही है और टूटेंगी भी, ये थोड़ी सी गर्म ही होंगी तब अच्छी, बहुत ज्यादा इनको ठंडा नहीं कर लेना है। सारी हमने इसी तरह से तोड़ लेनी है। अच्छा, ये देखिए, रोटियां मैंने सारी खूब अच्छे से तोड़ ली हैं, लेकिन अभी हमने इनको और बारीक करना है, क्योंकि हमने इनके बनाने हैं लड्डू, मकई के लड्डू बन रहे हैं ये, इसलिए अभी हम इसको और बारीक करेंगे। अब हम इसमें ये चीनी ऐड करते हैं,
चीनी आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, बारीक हो, और पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। ये चारों मगज़ या 4 सीड्स, ये हम अब इसमें घी भी ऐड करेंगे, इसको मलते जाएंगे हाथ से, और इसमें घी ऐड करते जाएंगे। ये बिल्कुल हमने इसकी चूरी सी बना लेनी है। चीनी आप थोड़ा सा टेस्ट कर लें बीच में, अगर आपको लगे कि कम है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और घी ऐड करते हैं हम, ये सारा घी इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छा सा और मलेंगे, बिल्कुल बारीक करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें, सारा घी भी ऐड किया है और चीनी भी मैंने सारी ही इसमें ऐड की है। बहुत अच्छा सा ये हमारा बन गया है मिक्सचर। अब हमने इसके बनाने हैं लड्डू। अच्छा, ये बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। देखिएगा आप, मकई की रोटी और साग जब बनता था तो अक्सर हम नहीं खाते थे मकई की रोटी, लेकिन मदर जब मकई की रोटी, मकई के ये लड्डू बनाकर खिलाती थी तो वो हम बड़े शौक से खाते थे। ये देखिए, ये एक बन गया हमारा लड्डू। इसी तरह से आपने ये हमने सारे लड्डू बनाने हैं। अगर आप इस पे चाहें तो पिस्ता बादाम भी थोड़ा ऐड कर दें ऊपर, लेकिन इसका अपना ही फ्लेवर बहुत अच्छा और बहुत इसमें, आप इसको देसी घी से भी बना सकते हैं, वनस्पति घी से भी बना सकते हैं, देसी घी से भी बना सकते हैं, इससे भी चाहे बनाएं। इसी तरह से मैं ये सारे तैयार करूंगी। ये देखिए, हमारे मकई के मजेदार लड्डू तैयार हैं। ये आप जरूर बनाइए, ये रेसिपी जरूर फॉलो कीजिए, और ये बहुत ही मजेदार लगेंगे। बच्चे भी शौक से खाएंगे और बड़े भी शौक से खाएंगे और बुजुर्ग भी शौक से खाएंगे। ये जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये मुझे भी बहुत पसंद है, और मैंने ये रेसिपी इसीलिए शेयर की आप लोगों से कि आप भी बनाइए और आप भी अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने सब जानने वालों से शेयर करें ये रेसिपी, और ये लड्डू बनाएं, चाय के साथ पेश करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।